गाइस मैं जस्ट नहा के आ चुका था एंड मैं फ्रेश हो गया था एंड मैंने मेरे फेवरेट कपड़े पहने, बिकॉज जिसको पता है उसको पता है मेरे फेवरेट कपड़े क्यों है, जिसको नहीं पता भाई जान लो, अगर नहीं पता तो पुराने ब्लॉग्स देखा करो मेरे, क्योंकि भाई पुराने ब्लॉग्स अभी ब्लॉग्स अच्छे आने लगे, ब्लॉग में एडिटिंग करने लगे, तुमने बोले सम्यक भाई ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे, तो भाई अच्छे अच्छे ब्लॉग डाल रहे हो तो सपोर्ट दिखाओ भाई मेरा, कैसे है भाई मैं सारे सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई देता, बिकॉज मैं उनकी केयर करता कि भाई अब सब्सक्राइबर्स है सब इतना प्यारा प्यारा मैसेज करते तो उनको रिप्लाई देना चाहिए, बट तुम्हारा माइंडसेट वैसे सब में हाँ हमसे तो बात करता रहता, क्या ही कमेंट करो उसके वीडियो में, तुम लोग स्नैप पे मैसेज करते आज का ब्लॉग अच्छा था आज का ब्लॉग बुरा था, भाई कमेंट में बताओ ना यार स्नैप पे क्या मैसेज कर रहे मेरे को, यहाँ पे बताओ जो बता रहे, तो भाई अब से मैं कोई भी सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई नहीं दूंगा भाई, सॉरी जेन्युइनली, बिकॉज मेरे को पता है अभी समझ गया मेरे को वाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स रिप्लाई नहीं देते, हाँ तो भाई मेरे को समझ गया बड़े बड़े यूट्यूबर्स रिप्लाई क्यों नहीं देते, क्योंकि फिर उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है कि हाँ भाई ये तो रिप्लाई देता है वैसे भी क्या ही वैल्यू है इसकी, तो इसको क्या ही कमेंट करूँ, तो वही है अब से सारे सब्सक्राइबर्स आई एम लिटरली सॉरी भाई किसी को रिप्लाई नहीं दूंगा, बट यार अगर तुम्हारा कुछ अच्छा कुछ आता है मेरे को बड़ा कुछ या कुछ भी आता है तो मैं पक्का रिप्लाई दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ईगो आ गया एंड ऑल, बट सॉरी भाई बाकी अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ दीपल दीदी के रूम पे, बिकॉज आज जा रहे हैं हम लोग गरबा कहीं पे, तो भी गरबा है बिकॉज आज लास्ट डे गाइस, गरबा भी चले नवरात्रि भी खत्म हो गई एंड दसों दिन भाई मैं ऐसी हो के मैंने 9-10 दिन पूरा नॉनवेज नहीं खाया, अवॉइड किया बिकॉज मेरे सारे दोस्त हिंदू है तो भाई एंड भाई अपन भी इंडियन है तो अपन ने सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, नवरात्रि में लोग नहीं खाते तो अपन ने भी नहीं खाना, फिर अपन कोई भी कास्ट के रहो, सो वही है अभी बाकी सिर्फ गरबा करने के लिए नवरात्रि मत बनाओ भाई एंड उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट भी करो, 9 दिन नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, मैंने नहीं खाया लिटरली मैंने नहीं खाया, तुमको 10 दिन में नाम भी नहीं लिया नॉनवेज का बिकॉज सही चीज़ नहीं है, सो वही अभी फिलहाल दीपाल दीदी के रूम जाके देन मिलते सीधा, वही मैंने कपड़े चेंज कर लिया था गाइस, अभी हम लोग पहुँचे पता नहीं कहाँ पे पहुँचे, नवरात्रोत्सव का आज आखिरी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे हमारे इस मुंबई की धड़कन को, सर्वांगा माझा नमस्कार, और शुभकामनाएं अष्टमी की, माँ दुर्गा हम सबके जीवन में सुख दे शांति दे खुशियां दे समृद्धि दे, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए, हम डायलॉग सुनना चाहते हैं सर, डायलॉग सुनना चाहते हैं, हम आए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है काला चौकी में गरबा हो रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, Oh!
मुझे एक बार ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना अपने तुझे का बता दे। स्वागत है आपका। आता अपन यांना बघितलं, आता यांची एनर्जी पाहायची आहे, दाखवायची एनर्जी, दाखवायची। श्रद्धाजी आलेली आहे, मी त्यांना निवेदन करणार, आपल्याला त्यांनी शुभेच्छा द्यावी। नमस्कार, मजा करताय? तुम्हा सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा। वाव, काय एनर्जी आहे, खूपच सॉलिड। मला आता मन होते की मी पण सगळ्यांबरोबर दांड्या खेळेल। मी कसं करणार खेळायचं? मला मला एक गोष्ट माहिती आहे की त्या चांगल्या गातात।
शिल्पाजींना आपली एनर्जी काळा चौकीची दाखवायची। जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। शिल्पा जी कैसी लगी हमारी काला चौकी की एनर्जी आपको? आता भी काय सांगू, सुपर से बहुत सुपर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज नवमी है और कल दशहरा, बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी को विश करने के लिए। मैं खास तौर पे यहाँ पे आई हूँ, कैसे पहुंची हूँ ये मत पूछिए। इंडियाज गॉट टैलेंट की शूटिंग मेरी खत्म हुई और मैं जो गाड़ी में बैठ के पहुंची हूँ, पता नहीं ऐसे लगा जैसे मैं 5 मिनट में पहुंच गई फिल्मिस्तान से बाइकला। इट्स क्रेजी, बट ये बस आपका प्यार है जो मुझे यहाँ पे खींच के लेकर आया है। मम्मी का वीडियो एक एक विशेष सूचना। अरे देवर देवा देवा काय सांगू राणी मला गाव सुटना, कस सांगू राणी मला गाव सुटना। बंद गळ्या मंदी माझ मावनाग अंग, जिंचा कपडा मंदी दुनिया झाली कशी तंग। जो तो है राणी आपल्या धुंदी मती दंग, माणसानी माणसांचं सोडले करंग। म्हाताऱ्याच्या धोतराची गाठ सुटना, काय सांगू राणी मला गाव सुटना। थँक्यू। निकल गया रे भाई, फाइनली निकल लिए यहाँ से, रूम पे जा रहे भाई। बहुत रश था, बहुत हालत खराब हुई यहाँ पे, बहुत रश है भाई। चेक करो भाई एक बार, कितना रश है भाई। अभी तो पूरा खाली हो गया, पहले बेसिकली बहुत ज़्यादा था, अब सब निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग निकल लिए भाई वहाँ से। एंड भाई मैं मुंबई में है बस 3 महीने है, एंड मैंने श्रद्धा कपूर को देख लिया भाई। इतनी क्यूट दिखते हो सामने से देखना। अभी तो मेरे क्रश चेंज हो गए गाइस, मजाक नहीं भाई, मजाक कर रहा था। बट भाई बहुत ज़्यादा क्यूट हो जेन्युइनली, तुम सामने से देखो कभी, ये तो पागल हो गई थी उसको देख के, अजीब सी हरकतें कर रही है। हाँ भाई शिल्पा शेट्टी को भी देखे हमने, और वो जो सबसे पहले वाला जो था हाँ वो जो भी थे, तो उनका मैं मीम लगा था, तुम देखे होंगे वो वाला मीम। मैं मीम लगाऊंगा इसके बाद में, तुम समझ जाना। एंड अभी तो फिलहाल भाई मैं इतना खतरनाक शूट कर रहा है, देखो एक ही हाथ में दोनों रख रखा है, देख रहे हो प्रोफेशनल व्लॉगर्स गाइस। एंड पहले तो वीडियो को अभी तक के देखे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। तो गाइस करो जल्दी, क्या कर रहे हो देखते मत रहो, सब्सक्राइब करो भाई। हमने आज श्रद्धा कपूर दिखा दिया तुमको क्या मतलब, तुमने पहले देख रहे मेरे व्लॉग में दिखा दिया भाई तुमको, तो सब्सक्राइब करो। इस व्लॉग के बाद 700 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, ऐसा ख्वाब देखता रहता मैं। आशा है, दीदी ने बोल दिया, दीदी की आशा है। तुम्हारी आशा है? मेरी आशा नहीं है मेरी, और नहीं नहीं कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल रूम पे जाते हैं। गाइस रात के 1 बजे लोकल्स का कुछ ऐसा हाल रहता है, आखिरी ट्रेन है, इसके बाद सारी ट्रेनें गायब। फाइनली पहुंच गए हमारे रूम के तरफ। एंड भाई इतना क्रेज, इतना खतरनाक पब्लिक थी वहाँ पे। एंड भाई जो लोग भिड़े थे, जैसे श्रद्धा कपूर एंड ऑल जितने भी एक्टर्स आए भाई, पता नहीं हमारे मीटअप पे कहाँ आएंगे इतने लोग, शायद सपने में आएंगे बढ़िया, कभी ना कभी तो आएंगे, कम से कम 5-6 लोग तो आ ही जाएंगे। क्या तुम्हारे मीटअप पे कब आएंगे लोग? इनको देखने को भी लोग आएंगे गाइस, इनको जनाजे पे आएंगे, वो तो सभी के जनाजे पे आते भाई, पर तब लोग कैमरा खोल के नहीं, तब आंसू निकाल के रहते। मैं भी चाहता कि मेरा भी कभी ऐसा मीटअप रहे। एंड इतना क्रेज रहे भाई, हमारे पता नहीं कब दिन आएंगे, हमको लगता है हम ब्लॉग बनाते इतने के इतने चलेंगे ब्लॉग बनाते निपट जाएंगे गाइस सब। एंड इस वीडियो में भाई प्लीज लाइक करो यार, सपोर्ट करो, 700 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए हमारे।
गाइस देखो रात को आत्मा आ रही। एंड एक और चीज देखो, इनके कपड़े देखो, इनके कपड़े देखो भाई, सेम। नहीं करना क्या चाहते थे, कुंभ के मेले में बिछड़ी दो बहन। व्लॉग है गाइस जो इसके बाद आएगा, उसमें इन दोनों की लड़ाई हुई थी बहुत खतरनाक वाली। वो व्लॉग डालने का हो गया क्यों, मैंने वीडियो के कारण थोड़ा अटक गया था। तो भाई वो व्लॉग देखना एक बार, वो तो खतरनाक रहने वाला है। कि अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, इनसे रूम पे मिलते हैं। रात के 2:30 हो रहे एंड मेरा ऑर्डर आया। वो अपना ऑर्डर, वो उसका ऑर्डर वहाँ पे लेने गई। दीदी के ऑर्डर का अभी कॉल आया और दीदी आते थे लिपट गई। भाई टाइम देखो, फोकस हो जा, 2:31 हो रहा भाई। आगे तेरा ऑर्डर, ये देखो गाइस तीनों के ऑर्डर अलग है। ये देखो इनके ऑर्डर का कॉल आ रहा है।